हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पावर रेटिंग। तो चलिए देखते हैं पावर रेटिंग क्या होता है। कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें जब हम स्पेसिफिक मार्क वोल्टेज यानी कि जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, जब उसको हम कनेक्ट करते हैं उस सर्किट से, और उस सर्किट को कनेक्ट करने के बाद जैसे हम एक सेकेंड में भी जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो सर्किट, उसी को हम बोलते हैं पावर रेटिंग। यानी इसको अगर मैं एक और तरीके से बोलूं तो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कोई, और जैसे हम उस पर कोई स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और एक सेकेंड में उस अप्लायंस में से जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी और एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो वो ये होगा कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो मैक्सिमम कितना पावर कैरी कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग, जितना भी मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के, जैसे सपोज करते हैं मोबाइल की बात करते हैं, ओके, तो कोई भी डिवाइस जितना वो मैक्सिमम पावर को कैरी कर सकता है वो आपको हमेशा मैन्युफैक्चरर उससे कम बताता है। सपोज कीजिए कि कोई एक डिवाइस है जो कि 10 वॉट का मैक्सिमम पावर एक्सेप्ट कर सकता है, तो मैन्युफैक्चरर आपको कभी भी 8 वॉट 9 वॉट ही बोलेगा। ऐसा क्यों? जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा वॉट होगा तो डेफिनेटली जो वो डिवाइस है, जो अप्लायंस है, वो ब्लास्ट हो सकता है और फिर उससे कुछ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली पावर रेटिंग यही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर कितना कैरी कर सकता है वो सर्किट, कितना हैंडल कर सकता है। चलिए इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं कि V मान लेते हैं कि वो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, R जो है वो उसका रेजिस्टेंस है, ओके, उस अप्लायंस का, एंड I वो करंट है जो उससे फ्लो होने वाली है। तो उस केस में जो पावर रेटिंग होगी उस अप्लायंस की वो होगी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखे थे स्टूडेंट्स, जब हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर, तो बेसिकली वहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है। अब अगर मैं इस V की वैल्यू I इंटू R रख दूं तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, एक आर से अगर एक आर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ओके, और अगर मैं इस आर की वैल्यू को चेंज करके यहाँ वी अपॉन आई कर दूं तो एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा वी इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करेंट, हो जाएगा ये वॉट में, क्योंकि पावर हमेशा वॉट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक सिंपल कंसेप्ट था पावर रेटिंग का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।